फैसल वादा के सेंटर बनने की हिमायत। फैसल वावडा को अगर जो है वो सेंटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है, नुमाइंदे रहे हैं तो उसका कोई सपोर्ट दिया तो मेरे ख्याल उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेजर तो उनको कैंडिडेट वो आज़ाद की हैसियत से लड़ रहे हैं और उसमें उनको सपोर्ट डेफिनेटली अगर कोई मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। आई डीप एंड सिंसियरस कंडोलेंसेस एंड एक्सप्रेस आर फीलिंग्स टू आर चाइनीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन दासू। दिस वॉज अ वेरी कावर्डली एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ टेररिस्ट To kill innocent Chinese and Pakistanis. पाकिस्तान के दुश्मनों ने बिशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया। मकसद पाक चीन दोस्ती को सैबोटाज करना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी सफीर के हमरा दासू का दौरा। चीनी बाशिंदों से ताजियत का इजहार। कहा पाकिस्तान में रहने वाले चीनी बाशिंदों को मुकम्मल और फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अली नासिर रिजवी की बतौर आजी इस्लामाबाद तैनाती का मसला हल ना हो सका। हुकूमत पंजाब अली नासिर रिजवी की खिदमात वफाक को देने से ताहार इनकारी। इस्लामाबाद में तैनात 3 DIGs ने जूनियर ऑफिसर के मातहत काम करने से मुआवजत कर लिया है। कराची में एक और शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। गुलशन मेमार में कातिल लुटेरों ने 2 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। शहर में डाकुओं के हाथों शहरियों का मुसलसल कत्ल। पुलिस कातिलों को पकड़ने में नाकाम। SHO गुलशन मेमार को मुअत्तल कर दिया। नवी जमात के पेपर में बूटी माफिया को रोकने की कोशिशें। रियाजी के पर्चे में 5 प्राइवेट अफराद की बतौर निगरान मौजूदगी। 6 असाज़ा गैर हाजिर। बिलाल यासीन कमिश्नर लाहौर और दीकर ने इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 2 सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। मुल्क भर में यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम पर मजालिस और जुलूस। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सक्कर, हैदराबाद, क्वेटा और पेशावर समेत शहर शहर पोशेदारी। दौरान जुलूस नमाज की अदायगी। जुलूस मुकर्रर रास्तों पर इख्तिताम पज़ीर हो गए। फलस्तीनियों की हिमायत में भी मुजाहरे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन इरफान रमजान में जिक्र फजाइल मसाइब मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब का बयान। उल्मा ने शान हैदर कर्रार बयान की। मनकबत खानों और नूहा खानों ने पुर दर्द आवाज में हदय अकीदत पेश किया। जब जनाजा हुआ तैयार अली का हाय मैं ना जी पाऊंगी बाबा मर जाऊंगी। दमिश्क में इसराइल का ईरानी सफारतखाने और ईरानी सफीर की रिहायशगाह के करीब फजाई हमला। हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर मोहम्मद रजा समेत 6 अफराद शहीद हो गए। धमाके से ईरानी सफारतखाने के करीब इमारत मुनहदम हो गई। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जमात को बड़ा धचका। दारुल हुकूमत अनकरा और इस्तांबुल समेत 9 शहरों में मेयर की नशस्तों पर हिज़्ब इख्तलाफ के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। रिपब्लिकन पार्टी के हामियों का जश्न। सदर एर्दोगान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। काकोल में क्रिकेट टीम का फिजिकल कैंप। जिस्मानी फिटनेस की मशकें, डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट पर खसूसी तवज्जो। क्रिकेटर्स ट्रेनिंग से मुतमईन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काकोल में खिलाड़ियों से मुलाकात। बाबर आजम को कप्तानी संभालने पर मुबारकबाद दी। इफ्तार भी खिलाड़ियों के साथ किया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का रवा हफ्ते ऐलान मुतवक्के। कप्तानी जाने के बाद शाहीन शाफीदी की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से भी बाहर होने का इम्कान। सीरीज में मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों को भरपूर मौका देने का फैसला किया गया है। फरवरी के मुकाबले में मार्च में महंगाई मजीद बढ़ी। आवाम परेशान, हुकूमत अनजान। महकमा आदादोशुमार के मुताबिक अशय खुर्दनोश कपड़े, गैस, बिजली और जरूरी जिंदगी की कीमतों में 5 से 7% तक इजाफा हुआ। छोटे ताजिरों और दुकानदारों पर 1200 रुपए महाना एडवांस टैक्स। कराची, लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी, क्वेटा और इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन का आगाज। पहली वसूली 15 जुलाई से होगी।